हाय हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है आदित्य और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम बोज कंपनी के स्पोर्ट्स शूज़ की अनबॉक्सिंग करेंगे। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखना, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मस्त शूज़ है। चलो तो वीडियो को फटाफट से शुरू कर देते हैं अनबॉक्सिंग के साथ। इसको आने में लग गए 4 दिन, 549 रुपीज़ के पड़े हैं। 500 to 600 के बीच में ही इसका प्राइस चलता रहता है और ये वन ऑफ द टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स में से एक है। ये मेरे फ्रेंड के शूज़ है, उसने सेकेंड टाइम ये ब्रांड के शूज़ मंगाए हैं। उसके पहले भी सेम साइज़ था लेकिन मॉडल दूसरा था शूज़ का, तो मैंने बोला इस बार मैं अनबॉक्सिंग कर लेता हूँ। इसके पहले वाले शूज़ उसके अप्रॉक्सीमेटली 8 से 9 महीना चले। इसमें मेमोरी कुशन का यूज़ किया गया और ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है। ये देखो, ये रहा कुछ साइज़ चार्ट, आप इससे कन्वर्ट करके मंगा सकते हैं। ये ब्रांड के शूज़ की मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी मेरे फ्रेंड से, तो हमने डिसाइड किया ये मॉडल मंगाना। देखो कुछ ऐसा है, फर्स्ट इम्प्रेशन कुछ ऐसे दिख रहे हैं, दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा फैंटास्टिक लग रहे हैं। वैसे मैं बता दूँ, इसके मैक्सिमम रिव्यूज़ ना पॉजिटिव ही थे, हमने सारे रीड किए। उसके बाद में हमने डिसाइड किया हम ये ऑर्डर करेंगे। बॉक्स में और कुछ भी नहीं है, रख देता हूँ साइड पे। तो मैं शूज़ को आप लोगों को दिखा देता हूँ अच्छे से। उसके पहले जो अंदर पेपर आते हैं वो निकाल देता हूँ ताकि मैं आपको अच्छे से डिटेल में अंदर तक बता सकूँ। बहुत ही बेहतरीन मटेरियल के शूज़ है। इसमें नीचे EVA सोल का यूज़ किया गया है जो इसे बहुत लाइट वेट और बहुत ही ज़्यादा अच्छा, कंफर्टेबल और सॉफ्ट बना देते हैं। ग्रिप भी बहुत ज़्यादा अच्छी दी गई है। इसका डिज़ाइन मुझे लगता है बहुत सोच समझ के बनाया गया है जो ग्रिप करके रखेगा। अंदर मेमोरी कुशन का यूज़ किया गया है जो कि ऑलमोस्ट सब बड़े ब्रांड्स के शूज़ में आते हैं। इससे शूज़ एक्सट्रीम कम्फर्टेबल बन जाता है। ये देखो, टंग के ऊपर साइज़ की डिटेल दी गई है। मेड इन इंडिया, 9 साइज़ ही मंगाया है। फुली मैश कंस्ट्रक्शन है। यहाँ पे देखो ब्रांडिंग दी गई है बोर्ज की। फिनिशिंग देखो कितनी बढ़िया दी गई है। सच बताओ तो इतनी बेटर फिनिशिंग मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी ये प्राइस में। दिखने में तो बहुत ही ज़्यादा क्लासी और फैंटास्टिक लग रहे हैं। आप इसे स्पोर्ट्स वेयर, कैजुअल वेयर दोनों में पहन सकते हो। कॉलेज, ऑफिस, जहाँ आपकी मर्जी हो आप वहाँ इसे पहन के जा सकते हो। ये ऑलमोस्ट हर कलर के साथ जाएगा। देखो यहाँ पे भी डिटेल दी गई है टंग के ऊपर पूरी। देखो मैश बॉडी है, अच्छे खासे ब्रीदेबिलिटी बना के रखेगा। और पीछे की वॉल के ऊपर देखो कितना अच्छा स्पंज लगाया है। अच्छा खासा मस्त मोटा मटेरियल यूज़ किया गया है इसमें। लेस की क्वालिटी भी अच्छी खासी चल जाएगी जब तक शूज़ चलेंगे। ऑल ओवर तो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी डील लग रही है मुझे। 4 स्टार थे इस पे अमेज़ॉन पे। अब देखते हैं कितना और कैसा ये शूज़ चलता है। अब लेने से पहले एक बार नीचे कमेंट करके पूछ लेना कि कैसे चल रहे हैं शूज़। मैं मेरे फ्रेंड से पूछ के आप लोगों को बता दूंगा। अभी मैं आप लोगों को इसका वेट करके बता देता हूँ, बट उसके पहले आप लोगों की कोई भी क्वेरी, क्वेश्चन कुछ भी हो मुझे नीचे कमेंट करके बता देना। मैं जल्द से जल्द आप लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। मुझे सबसे अच्छी बात यह शूज़ की कुशनिंग की लगी, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, एकदम सॉफ्ट। चलो अब शूज़ तो देख लिए, अब इसका वेट करके हम देख लेते हैं ताकि हमको एकदम परफेक्ट अंदाज़ा लग जाए। ऐसे देखने में तो वो लाइट वेट ही लग रहा है उठाने में भी, बट वेट करेंगे तो अपने को एकदम क्या प्रॉपर अंदाज़ा आ जाएगा। चलो वेट कर लेता हूँ। ये रख दिया शूज़। इसका वेट है 210 ग्राम का पर शूज़ है, 210 ग्राम एक शूज़ का वेट है। चलो अब फटाफट ट्रायल करके आप लोगों को बता देता हूँ कि शूज़ कैसे लग रहे हैं। ये देखो, ट्रायल करने के बाद कुछ ऐसे लग रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और लॉन्ग आवर्स के लिए मुझे लगता है बहुत ही ज़्यादा बेटर होंगे। और वेंटिलेशन भी इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। मुझे थोड़े लूज़ आ रहे हैं। वैसे मैं बता दूँ, मैं स्पार्क्स के स्पोर्ट्स शूज़ 9 नंबर ही पहनता हूँ और मुझे एग्जैक्ट परफेक्ट साइज़ आते हैं। ये 9 नंबर है, फिर भी हल्के से मुझे लूज़ है। मुझे लगता है 8 नंबर होता तो भी मुझे चल जाता। तो आप अपना साइज़ बराबर परफेक्टली मेजर करके ही मंगाना। ये देखो कितने फाड़ू लग रहे हैं, फटांग लग रहे हैं, फैंटास्टिक लग रहे हैं, फैब्यूलस लग रहे हैं ये शूज़। बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और सॉफ्ट है। अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ अ वर्थ बाय। दोस्तों अगर आप भी ये शूज़ को बाय करना चाहते हैं तो बाइंग लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, आप चेकआउट करके ले सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। आई जस्ट होप आज का वीडियो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को दे दीजिए थम्स अप बटन, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पुराने सब्सक्राइबर हो तो थैंक यू सो मच। दोस्तों मेरे चैनल पे और बहुत सारे वीडियोज़ है, वो चेकआउट कर लो, शायद आप लोगों को पसंद आ जाए।
दोस्तों, और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, चैनल के साथ बने रहिए। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।